रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला लोकसभा सीट से इनेलो के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों के पास जाकर वोट की अपील की। इस अवसर पर इनेलो की नीतियां बताते हुए ओंकार सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए एकमात्र दल इंडियन नेशनल लोकदल है। आज प्रदेश और विशेष तौर पर अम्बाला छावनी की जनता का कांग्रेस और भाजपा दोनों से मोह भंग हो चुका है। आज जनता एक बार फिर से इनेलो सरकार आपके द्वार चाहती है। सत्ता में रहते हुए पहले भी इनेलो ने जनहितकारी अनेक कार्य किए हैं और अब भी सत्ता में आने पर बुजुर्ग सम्मान पेंशन 7500 रुपए प्रति माह की जाएगी, हर घर एक रोजगार दिया जाएगा और रोजगार न दिए जाने की स्थिति में शिक्षित बेरोजगार को 21,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, हर घर प्रति माह एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए प्रति माह महंगाई खर्चे से पार पाने के लिए दिए जाएंगे। बिजली के बिल 500 रुपए प्रति माह तक नियत किए जाएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। 2,09,600 रिक्त पद भरे जाएंगे। मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही जनहितकारी वह प्रत्येक कार्य किया जाएगा जिससे जनता को सुख मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले भी इनेलो सरकार के दौरान अम्बाला छावनी की 13 कॉलोनियों रेलवे रोड रंधावा मार्केट एवं राय मार्केट को फ्री होल्ड किया गया था और अब भी अम्बाला छावनी को फ्री होल्ड किया जाएगा। इस अवसर पर प्रत्येक दुकानदार के पास जाकर उन्होंने इनेलो की नीतियां बताई। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।